मार्टिन जो है वो फूलों के बुके जो होते हैं गुलदस्ते बनाने का माहिर है, और ये जो है 3 वायलेट और 4 ट्यूलिप्स जो है वो उसमें बेचते हैं। तो अब वायलेट की जो कीमत है वो 20 है और ट्यूलिप की कीमत 30 है जाहिर की है। तो अब हमें नीचे दिए गए एक्सप्रेशन उनके मायनों के हिसाब से मैच करने हैं और उनको उनकी जगहों पर पहुंचाने हैं। बॉक्सेस जो आप देख सकते हैं खाली बने, तो अगर मार्टिन के एक बुके की कीमत क्या होगी, उसमें 3 वी और 2 4 टी होंगे, तो 3 वायलेट्स होंगे 4 ट्यूलिप्स होंगे, यानी कि 3V+4T होगा। ये 3V+2T है, ये 4T+3V है, यानी कि 4 ट्यूलिप 3 वायलेट। एक तो ये हो गया। हम देखते हैं कोई और एक्सप्रेशन ऐसा है जो इस कंडीशन को फुलफिल करता है, मेरे ख्याल फिलहाल नहीं है। अब इसी तरीके से अगर मार्टिन 3 बुके बनाएगा तो इसको मैं उनकी कीमत क्या होगी, तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये 3×4T+3V, एक तो ये हो जाएगा। और मैं देखूं अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूं तो 3×4 12 और ये 3×3 9, यानी कि 12T+9V हो जाएगा। और इत्तफाक बल्कि क्योंकि खुशकिस्मती से ये भी यहां मौजूद है, तो ये भी इस मायने के हिसाब से, इस वजाहत के एतबार से पूरा उतरेगा। अब 3×3 3 9T 9T, ये नॉट यूज में आएगा। अब आप देखिए 3V+2T, ये भी हमारे उन चीजों में आएगा जो हमने इस्तेमाल नहीं की। फिर 2V+4T+V, तो आप देखिए 2V हैं, 2V+V ये हो जाएगा 3V+4T। तो ये दरअसल मार्टिन के एक बुके की कीमत है। और अब हम अपना जवाब चेक करते हैं कि हमारा जवाब सही है या गलत। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर हमारा जवाब दुरुस्त निकला।